हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके गुलाब के पौधों में फूल नहीं आते हैं तो आप मेरी ट्रिक एक बार यूज़ करके देखिएगा। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मुझे भी मिला है रिजल्ट, मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं हम अपने आज के वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों, हमें क्या करना होगा गुलाब को, मैं बता दूं कि फूल देने के लिए क्या क्या चाहिए। दोस्तों, उसको फर्टिलाइज़र चाहिए, जैसे हम वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जैसे यूज़ करते हैं वो चाहिए, और फास्फोरस चाहिए जो हम DAP या फिर सुपर फास्फेट देकर दे सकते हैं अपने पौधों को। लेकिन उन सब का असर तभी होगा जब आपकी सॉइल एसिडिक होगी। तो आज ये 2 रुपये का पाउच आपको कमाल करके दिखाएगा और आपके पौधे फूलों से भर जाएंगे। आपको करना क्या होगा, आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर आपको ये कॉफ़ी का पाउच जो है वो पूरा डाल देना है। डालने के बाद इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेना, और मिक्स करने के बाद आप इसको अपने पौधों को दे देना। इससे होगा क्या, इससे आपके जो पौधे हैं उनकी जो मिट्टी है उसको वो एसिडिक हो जाएगी, क्योंकि गुलाब के पौधे में खाद तभी असर करता है जब उसका pH 6 से 6.5 के बीच में हो। तो 6 से 6.5 के बीच में करने के लिए हम इसके अंदर कॉफ़ी ग्राउंड या फिर कॉफ़ी का पाउडर जो है वो यूज़ करेंगे, और रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग है। आप एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिएगा ताकि आपको विश्वास हो सके। और दोस्तों, इसमें नीम ऑयल का स्प्रे भी ज़रूर करें ताकि इस पे जो कीड़े मकोड़े हैं वो अटैक ना करें, बीमारियां आपके पौधों पर ना लगे। और इसके अंदर आप इसको रखें फुल सनलाइट में, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा धूप आती हो। अप्रैल के महीने के बाद जब ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो जाए, लू चलनी शुरू हो जाए, उस टाइम आप इसको ग्रीन शेड के नीचे रख सकते हैं, ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, या फिर किसी शेडेड एरिया में जहाँ पर सुबह 2-3 घंटे की धूप आती हो, उसके बाद उस पर छाया बनी रहे। गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। 15 दिन के बाद आपके पौधे पर बहुत सारे बर्ड, 7 दिन के बाद बर्ड आ जाएंगे, लेकिन 15 दिन के बाद वो सारे बर्ड खिल जाएंगे और आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो और ये रिज़ल्ट आप लोगों के सामने। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सोशल मीडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।